संसाधन के अंतर्गत कृषि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि कृषि क्या है ये आप लोग समझेंगे। जिसमें हमने भूमि संसाधन पढ़े थे, तो भूमि संसाधन के अंतर्गत ही कृषि भी, कृषि कहाँ होती है, भूमि पर ही होती है। हमने जल संसाधन भी पढ़ा, तो जल के बिना भी पैदावार नहीं हो सकती है। तो हम देखेंगे सबसे पहले देखिए कृषि, कृषि में जो है इसकी 2/3 जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों में भी अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योग कच्चा माल भी पैदा करती है, और इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों में चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि भी निर्यात किया जाता है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योग के नाम बता सकते हैं? अब जैसे कृषिगत उद्योग कच्चे माल के आधार पर कौन कौन सा होगा, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया। इस तरह से क्या गन्ना भी कृषि द्वारा उत्पादित किया जाता है, कपास भी कृषि द्वारा उत्पादित किया जाता है। जैसे कपड़ा उद्योग जो है कृषि पर ही आधारित मतलब निर्भर होगा। फिर हम देखेंगे कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है, जिसमें हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक, सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से कर लेकर वाणिज्य खेती, कृषि से अनेक प्रकार के वर्तमान समय में विभिन्न भागों में निम्न प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए। जैसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि भारत में कुछ भागों में अभी भी की जाती है। जैसे प्रारंभिक जीवन कृषि जो कि उस समय निर्वाह सिर्फ निर्वाह के लिए किया जाता है, जैसे कि छोटे छोटे टुकड़ों में कृषि करके, जैसे कि लकड़ी के हल से और खुदाई करके छड़ी और परिवार के समुदाय श्रम की मदद से की जाती थी। इस प्रकार कृषि प्राय मानसून, मृदा और प्राकृतिक की उर्वरता पर निर्भर करती थी, और ये पर्यावरणीय, प्राकृतिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती थी। फिर यहाँ देखेंगे कर्तन दहन प्रक्रिया। कर्तन दहन प्रक्रिया क्या है? यह जो है किसी जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं, और उसमें मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, जिससे किसान जो है उस भूमि से स्थानांतरित हो जाते हैं, और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। और इस प्रकार स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रिया से मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, किंतु किसान उर्वरक और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार कृषि की उत्पादकता कम होती है। और देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में से झूम कृषि कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ बरसात यहाँ पर दीपा कहा जाता है। तीसरे से हम देखेंगे गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, और श्रम गहन खेती अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर कृषि की जाती है? जैसे भूमि स्वामित्व के विरासत के आधार पर कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि का अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करता है, और कृषि भूमि अधिक दबाव बढ़ता जा रहा है। फिर है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक मतलब व्यापार से संबंधित कृषि। इसमें अधिक पैदावार देने वाले बीजों को, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करता है, और साथ ही साथ कृषि में वाणिज्यीकरण के स्तर के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग उदाहरण के हरियाणा और पंजाब चावल वाणिज्य की एक फसल है, जिसमें परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। फिर देखेंगे रोपण कृषि में एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, और रोपण कृषि में उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है, जो रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है और अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इस तरह से इस सारा उत्पादन उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि। महत्वपूर्ण रोपण फसलें आपस में उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूंकि और रोपण से कृषि उत्पादन में बिक्री के लिए भी होता है। अब इसमें देखेंगे कि इसके विकास में परिवहन, संचार साधन संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है जब परिवहन संचार के साधन होंगे तो हम आसानी से उद्योगों से संबंधित हम वहां से ऑर्डर ले सकते हैं, उनको बाजार में बेच सकते हैं, बाजार तक हम उस चीज़ को ले जा सकते हैं। फिर देखेंगे कि सस्य प्रारूप। आपने भारत की भौतिकी विविधताओं में संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। अब यहाँ पर देखें सस्य प्रारूप प्रतिबंधित होती है, और इसमें बोई जाने वाली फसलों अनेक प्रकार के खाद्यान्न होती है, जैसे रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल होती हैं। और भारत में 3 सस्य ऋतु होती है, रबी, खरीफ और जायद फसलें। अब यहाँ देखेंगे रबी की फसल कब बोई जाती है, खरीफ की फसल क्या कहलाती है और जायद फसलें क्या कहलाती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे रबी की फसलें जो शीत ऋतु से अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल में जून में मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, मूंग, ये रबी की फसलें हैं।
यदि ये फसलें देश के विभिन्न भागों में बोई जाती हैं, और उत्तर पूर्व जैसे पश्चिमी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश प्रदेश गेहूं अन्य रबी की फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों में होने वाली वर्षा इन फसलों में अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों में यह एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर देखेंगे खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर मतलब अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल होती है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण दक्षिण प्रदेशों में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों से चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की तीन फसलें होती हैं, औस, अमन और बोरो ये बोई जाती हैं। फिर रबी और खरीफ फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद फसलें कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों के चारे और फसलों की खेती की जाती है और गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग एक वर्ष लगता है। फिर है मुख्य फसलें। मुख्य फसलें जो मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति के अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद और अखाद फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास आदि होती है। चावल अधिकांश लोग खाद्यान्न फसल है क्योंकि चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और यह खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्चतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में तटीय क्षेत्रों में डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है और नहरों के जाल, नलकूप सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाना संभव हो पाया है। फिर देखेंगे गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसको उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। यह शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है और उगाने के लिए समान रूप से 50 से 75 सेंटीमीटर अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्षिण में काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान कुछ भाग में गेहूँ पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। फिर देखेंगे मोटे अनाज। मोटा अनाज क्या कहलाते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज है। मोटा अनाज इनको कहा जाता है और इसमें पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होता है। उदाहरण के लिए रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा होता है, कैल्शियम होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व होती है, भूसी मिली होती है और क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। फिर देखेंगे बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में, हरियाणा इसको उगाई जाती है। यह रागी जो है शुष्क प्रदेशों की फसल है। यह काली उथली काली मिट्टी और अच्छी उगाई जाती है। यहाँ कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। फिर देखेंगे मक्का। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। यह खरीफ की फसल कहलाती है। यह 21 सेल्सियस 27 सेल्सियस तापमान के बीच में जलोढ़ मिट्टी पर अच्छे प्रकार से उगाई जाती है और मक्का रबी की ऋतु में ही उगाई जाती है और अत्यधिक प्रौद्योगिक उच्च पैदावार देने वाली बीजों उर्वरकों सिंचाई के उपयोग मक्का उत्पादन बढ़ा है। फिर उसके बाद देखेंगे दालें। भारत के विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। इसमें तुअर, अरहर जिसको अरहर बोलते, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। खरीफ में अब कौन कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? दालों की कम नमी की आवश्यकता होती है, उन्हें शुष्क परिस्थितियों में उगाया जाता है और फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता बनाए रखती हैं और आमतौर पर इन्हें फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। फिर देखें खाद्यान्नों के अलावा खाद्य फसलें जो है जैसे गन्ना है। गन्ना एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसमें 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस की आवश्यकता होती है। यह आदर्श जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है और मिट्टी में उगाया जाता है, इसलिए बुवाई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। गन्ने से दूसरा उपयोग सबसे बड़ा उत्पादक देश है जिसमें की चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने का काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। फिर हम देखेंगे तिलहन। तिलहन जिससे कि तेल निकाला जाता है। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश हमारा भारत है और तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद ये तीसरा स्थान है।
देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग कई तिलहन को, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिलोना, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने मुख्य फसलें हैं। खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। इसे कुछ तेल के बीजों के साबुन, प्रसाधन और उपटन उपयोग के कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है। इसमें मुख्य तिलहन में कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली का मुख्य उत्पादक राज्य है। इसमें अतिरिक्त राजस्थान, आंध्र प्रदेश मूंगफली अन्य उत्पादक देश है। सरसों रबी की फसलें हैं। अलसी भी रबी की फसल है क्योंकि तेल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है, दक्षिण भारत में रबी की है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल में इसको बोया जा सकता है। फिर अब देखेंगे चाय की खेती। जब वो की जाती है तो रोपण कृषि का एक उदाहरण है। एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिस शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत में लेकर आए थे और अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कृष्ण जलवायु में ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी या सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भलीभांति उगाया जा सकता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पालनीय जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार इसी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होते हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है जिसके प्रचुर मात्रा में सस्ता, कुशल और श्रम चाहिए, जिसमें ताजगी बनाए रखने की चाय की पत्तियां बगान में संसाधित की जाती हैं। और चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। फिर देखेंगे कॉफी। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है जिसमें यमन से लाई गई थी। फिर शुरुआत में बाबा बुदन पहाड़ियों में हुई थी और आज की खेती नीलगिरी के पहाड़ियों के आसपास भी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी की जाती है। फिर बागवानी फसलें। सन 2016 में विश्व में फसलों और सब्जियों के उत्पादन की चीन के बाद दूसरा स्थान है। यह उष्ण उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों के उत्पादन में उगाया जाता है। यह तमिलनाडु केले और बिहार लीची, मेघालय अनानास, आंध्र प्रदेश की तेलंगाना, महाराष्ट्र अंगूर, हिमाचल प्रदेश की जम्मू कश्मीर, सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है।